के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रवि किशन ने कहा, गोरखपुर की गद्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। शहर संसदीय सीट से सांसद बना तो योगी की खड़ाव रखकर जनता की करेंगे सेवा। बेली पार्क पुलिस ने कच्ची शराब का कारोबार कर रहे दो लोगों को किया गिरफ्तार। आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। श्री श्री सालासर हनुमान जयंती पर गाजे बाजे के साथ निकली मनोकामना पूर्ण पद यात्रा, शामिल हुए भारी संख्या में हनुमान भक्त। भगवान चित्रगुप्त के जय घोष संग निकली भव्य शोभा यात्रा, किया गया पूजन अर्चन। यात्रा के सभी मार्गों पर नगर वासियों ने शोभा यात्रा पर की पुष्प वर्षा। महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाया गया एंटी रोमियो अभियान। पार्कों में मनचले लड़कों एवं लड़कियों को दी गई चेतावनी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक। प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के बीच परिचय के साथ प्रत्याशी को विजय श्री दिलाने की बनी रणनीति। कार को ओवरटेक करने के चक्कर में मोटरसाइकिल चालक डिवाइडर से भिड़ा, आई गंभीर चोटें, पब्लिक ने पहुंचाया अस्पताल। 23 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के तृतीय चरण के मतदान को संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन से रवाना हुए पुलिसकर्मी। तेलहना गांव के बगल ताल में शुक्रवार की दोपहर खेतों में अचानक से लगी आग। मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। गिरजाघरों में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया गुड फ्राइडे, याद किया गया प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिवस। और बैंड बाजे ढोल नगाड़े की धुन पर श्री श्री डी राज मंदिर कोरमियाना टोला से निकाली गई हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा। भाजपा से सदर लोकसभा प्रत्याशी भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन हुए शामिल।